माइक लीजिए आप। पूरे दरबार प्रांगण में जहां भी प्रेत रोगी हैं सबको पीट सकते हो सेनापति। नाम? गायत्री। गायत्री, हमने बुलाया है। कहाँ से आई आप? हमें गुजरात बड़ौदा से। बड़ौदा से नजदीक आइए आप, प्रश्न करिए आप हमसे। महाराज मेरा सब शरीर दुखता है, मतलब सर पूरा शरीर, पांव हाथ पूरी शरीर अच्छी नहीं रहती हूँ सर। कहीं सपने में कुछ कुछ आता रहता, इतना पूजा पाठ करती हूँ तभी। कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं महाराज पढ़ी नहीं। साथ में कोई आया है? मेरा हस्बैंड है, मेरा लड़का भी हरिओम यादव है। यहीं पर है? हाँ यहीं पर। देर लगेगी आने में? नहीं, आप बुला ले आओ, हम पर्चा आपका रख देते हैं, वो जब आ जाएंगे तब पर्चा पढ़वा भी देंगे। तब वहाँ बैठूंगी। हाँ नेक्स्ट चलिए। हरिओम बेटा आ जाओ यहाँ पे। हरिओम इधर आ जाओ। हस्बैंड ना और बुला लो अपने। इनका पर्चा बना रखा है इसलिए हमने सीधा पर्चा उठाया, पढ़वाना शुरू करते हैं। इनके नाम से परिवार में दिक्कत, शरीर में हैरानी, पैर व शरीर में दर्द बनता, जकड़ लेता, गंदे सपने आते हैं। बिल्कुल सही है। सही है, गंदे सपने आते हैं, भूत बाधा का कारण है, बहुत जगह दिखवाया आराम नहीं लगा। गठिया वात व वातांश सन 2015 से बना है। बिल्कुल सही है, ये बात सही है। आराम लगेगा, पूर्ण कृपा होगी, तंत्र कटेगा, उतारा धाम पर होगा। अभी अखंड रामायण का पाठ घर पर करवा लें तो 5 दिन में ही आराम लगने लगेगा। जावा से बाबा जी सुबह सपने देखा था। आप मतलब मेरी अति स्वीकार किए हैं और एक बालेश्वर धाम में अर्जी है कि जो कुछ भी मेरी इनकम होगी उससे, जो भी इनकम होगी मेरी जी कन्या विवाह में आधा मतलब आपको कन्या विवाह में लगाएंगे। धन्यवाद। बागेश्वर धाम का जो अकाउंट है उस पर आप एक बार इनको ताली बजा दीजिएगा। इनका कहना है कि जो भी इनकम होगी उसका आधा कन्या विवाह में हम बागेश्वर धाम पर लगाएंगे। बागेश्वर धाम का वो जो है ना, वो क्या बोलते हो अकाउंट, उस पर कर सकते हैं। ये मंत्र है 3 माला, उतारा धाम पर होगा। जाओ आज से ही आराम प्रारंभ। जय बस बस बस, उनको धन्यवाद दो, ये सब उनकी करुणा है। अभी शरीर में पीड़ा है आपको? अरे राम राम, अरे वाह वाह वाह, मुट्ठी बांधो दोनों। खींचो दोनों हाथ, मलो मां लगाओ शरीर में पूरे में, पैर की अंगूठा तक स्थान छोड़ दो। अब कैसा है, है? अब कैसा है? उठ बैठ के देख लो एक बार और, उठो बैठ। आपको उठने बैठने में बड़ी दिक्कत है ना, फिर से एक बार उठ बैठ के देख लो। अब अच्छा लग रहा है, जाओ ऐसे ही रहोगी। झूठ तो नहीं बोल रही कि हमने चुटकी उटकी बजा दी? नहीं तो आप ही पाप भोगोगी। एकदम सही हो? जाओ तो ऐसे ही रहोगी, तमें जाओ, खुश रहो।